हेलो बच्चों वेलकम टू आर क्रिस्टल लर्निंग प्लेटफॉर्म और चलिए आज हम अपना इकोनॉमिक सब्जेक्ट एज अ फेवरेट सब्जेक्ट जो सभी का है विद द न्यू टॉपिक मनी एंड बैंकिंग स्टार्ट करते हैं सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर इफ आई से कि आपको पता है मनी क्या है डू यू नो व्हाट इज मनी मनी समथिंग विच यू विल पे वेन यू बाय समिंग इन रिटर्न यू विल गेट द कमोडिटी इन एक्सचेंज यू विल पे अमाउंट ऑफ कंसिड्रेशन इट मे भी इन कैश और इन क्रेडिट राइट बट आपका जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है दैट इज़ वॉट मनी इन सिम्पल टर्म्स और दूसरा कंसेप्ट है बैंकिंग तो आपको पता है हमारे इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स होते हैं नॉट ओनली कमर्शियल बैंक बट कमर्शियल बैंक तो आपके अर्बन एरियाज़ के लिए हेल्पफुल हैं बट इफ़ यू टॉक अबाउट विलेज एरिया या फिर दोज रिमोट एरियाज वेयर पीपल आर नॉट टू मच एजुकेटेड अबाउट मनी रिलेटेड इशूज़ लाइक अगर उनको कोई चीज़ अगर उनको शॉर्ट टर्म में या फिर लॉन्ग टर्म में फ़ाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है तो फिर वो किसके पास जाएंगे या तो वो अपने रिलेटिव से बोरो करेंगे या फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं कि अपना जो रिटेन अर्निंग है यानी कि उनकी सेविंग्स जो खुद की पर्सनल होगी उसे यूज़ उस करेंगे अगर वो भी मान लीजिए ख़त्म हो जाता है देन वेयर दे विल गो सो इन दैट केस वो जाएंगे कहाँ पे बैंक्स के पास बट ये जो उनका वे टू बैंक है यानी कि बैंक तक पहुँचने के का जो रास्ता है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है उन लोगों के लिए जिन्हें बैंक्स की नॉलेज नहीं है सो so दैट हमारा यहाँ पे नबार्ड आता है आपने नाम सुना होगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट और वो इन विलेज एरियाज़ में हेल्प करता है अपने डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस सेट करके जिसको कि हम आर भी बोलते हैं रीजनल रूरल बैंक और उसकी भी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज होती हैं राइट right? और ये एक तरीके से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में हेल्प करता है एग्रीकल्चरिस्ट की फार्मर्स की या फिर जो हम कह सकते हैं जो मार्जिनल इंटरप्रेनियर्स हैं उन सब की तो आइए हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इस चैप्टर के बारे में और क्या क्या हमें इसमें डिटेल स्टडी करनी है सो आर टॉपिक इज़ मनी एंड बैंकिंग लेट्स बिगिन फर्स्ट ऑफ ऑल इसको समझने से पहले हमें समझना होगा कि मनी का मीनिंग और इवोल्यूशन कैसे हुआ आई थिंक विच इज़ कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज़ कॉल्ड मनी सिंपल वेरी सिंपल जो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है और ये एक्सेप्टेड है हर कोई इसे एक्सेप्ट करता है क्या आप किसी को पैसे दें और आप कोई कमोडिटी खरीदें तो जिस पर्सन को आप पेमेंट करेंगे क्या वो रिजेक्ट कर देगा नहीं मैं पैसे नहीं लूँगा नो no? अब आज के टाइम में बाटर सिस्टम तो है नहीं कि आपने कॉमोडिटी के एक्सचेंज में कॉमोडिटी दे दिया नो no? तो जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है वो मनी है अ रुपी इन इंडिया इज मनी इंडियन करेंसी में हम रुपीज़ बोलते हैं एज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हेयर लाइक वाइज डॉलर इन यू एस ए इज़ अ मनी अब यू एस ए में जो वहाँ की करेंसी है उसको क्या बोला जाता है डॉलर एज इट इज कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज देय ठीक है तो यू एस ए में जब आप कोई भी चीज़ बाय एंड सेल करेंगे तो वहाँ पे जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ होता है दैट इज़ डॉलर आपने सुना होगा कि डॉलर के वैल्यूज़ हमेशा से हमारी इंडियन रुपी से ज़्यादा होती है राइट एंड दिस इज बिकॉज ऑफ वेरियस रीज़न्स बिकॉज क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा यू एस है वो एक डेवलप्ड नेशन है ठीक है तो वहाँ से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स जो होती हैं ऑल दो वो डेवलप्ड कंट्री है इस वजह से वहाँ का रेट हमेशा हायर देन इंडियन करेंसी होता है सो ओल्डन डेज की अगर हम बात करें तो गुड्स एक्सचेंज फॉर गुड्स मैंने आपको बताया था कि अब वो टाइम नहीं है जहाँ पे बाटर सिस्टम चले ओके सो देयर वॉज नो मनी पहले के टाइम में मनी नहीं इंट्रोड्यूस हुआ था अ कोबलर वुड मेक शूज़ इन रिटर्न फॉर वीट फ्रॉम अ फार्मर अगर एक कोबलर को मान लीजिए शूज़ बनाना होता था ठीक है तो वो शूज अपना फार्मर को देता था और उसके बदले में वीट ले लेता था अ फार्म वर्कर वुड गेट ग्रेन्स एज अ रिवार्ड फॉर हिज लेबर और एक फार्म वर्कर को क्या मिलता था उसके लेबर के तौर पे उसको ग्रेन्स मिल जाता था एंड सो ऑन सो दिस इनिशियली इनिशियली कॉइन्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर वर इंट्रोड्यूज एज अ मनी सब्सिक्वेंटली अलॉय मेटल वॉज यूज फॉर कॉन एज अलॉन्ग विथ पेपर अब ये हम ना ओल्डन टाइम्स की बात कर रहे हैं यानि कि एशंट टाइम में क्या हुआ था कि मनी तो रिसेंटली लॉन्च हुआ है जब से हमारा आर बी आई एक्ट पास हुआ है नाइनटीन थर्टी फाइव आई गेस तब से आपका जो मनी इन सर्कुलेशन है और उससे रिगार्डिंग जितने भी रूल्स एंड गाइडलाइंस हैं वो सारे काफ़ी स्ट्रिक्ट और बहुत तरीके से देखा जाए तो बहुत इफ़ेक्टिव हो गए हैं बट उससे पहले एंशंट एरा कि टॉक अबाउट सो वहाँ पे उस टाइम पे क्वाइंस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर तब गोल्ड और सिल्वर यानी कि आपने सुना है सोना एंड चांदी उसके क्वाइंस यूज़ होते थे और फिर हम धीरे से किस पे शिफ्ट किए मेटल पे ठीक है और फिर उसके बाद इवोल्यूशन करते करते पहले हम गोल्ड और सिल्वर्स के क्वाइन यूज़ करते फिर मेटल पर शिफ्ट हुए फिर आए पेपर नोट्स पर पे. नाव इज़ द एज ऑफ प्लास्टिक मनी और अब ऐसा टाइम आ चुका है जब हम अपने क्रेडिट कार्ड्स डेबिट कार्ड्स इन सब का यूज़ कर रहे हैं सो दिस इज वॉट प्लास्टिक मनी मनी तो है बट इन द फॉर्म ऑफ प्लास्टिक कार्ड्स कह सकते हैं ओके कैश कार्ड्स ई मनी और यू कैन से इलेक्ट्रॉनिक मनी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र ऑफ मनी बाय वे ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट एंट्रीज इन द बैंक अकाउंट्स आपने देखा है आपके पेरेंट्स क्रेडिट कार्ड का डेबिट कार्ड का यूज़ करते हैं सो दिस इज़ वर्ड ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र ऑफ मनी हम इसको बोलते हैं द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ़ मनी इज़ रिलेटेड टू द नीड टू फैसिलिटेट एक्सचेंज मनी का जो ओरिजिन और इवोल्यूशन हुआ है वो क्यों हुआ है जिससे कि हम आसानी से चीज़ों को एक्सचेंज कर सकें टू फैसिलिटेट एक्सचेंज द इनिशियली इन्वेंटेड एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज ग्रेजुअली पहले तो हमने एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन्वेंट किया था पर धीरे धीरे देखते ही देखते मनी जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट बन चुका है मनी इज़ यूज एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ट पेमेंट जो मनी का है बच्चों हम यूज़ करते हैं डेफर्ट पेमेंट के लिए भी डेफर्ट पेमेंट आर दोज पेमेंट्स विच आर मेड समम्स इन फ्यूचर अच्छा डेफर्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पे एक वर्ड आया है डेफर्ट सो इस डेफर्ट का मतलब होता है कि जब हम किसी ट्रांजेक्शन को फ्यूचर में करते हैं उसको डेफर्ट बोलते हैं अकाउंटेंसी में आपने एक वर्ड सुना होगा डेफर्ड डेफर्ड लोन्स आई थिंक ऐसा कुछ होता है और वो बैलेंस शीट में शो होता है तो उसका मतलब भी क्या होता है कि आप डेफर्ट यानी कि फ्यूचर में उस चीज़ को उस गारंटी या लोन को पे करेंगे सेम वही कंसेप्ट है यहाँ पर भी कि कभी कभी जब पेमेंट फ्यूचर में की जाती है उसे डेफर्ट कहते हैं owing to its multiple function money has acquired a wider definition than merely a medium of exchange it is defined as an instrument it is an instrument that serve as a medium of exchange store of value measure of value standard for deferred payment so money can देखा जाए तो इस डेफिनेशन में सारे कैरेक्ट्रिस्टिक्स आ चुके हैं ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है स्टोर ऑफ़ वैल्यू है आप आसानी से इसे कैरी कर सकते हैं मेजर ऑफ़ वैल्यू है आप इसे मेजर भी कर सकते हैं एंड स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ट पेमेंट यानी कि समटाइम्स हमें ये देखने को मिलता था कि जब बार्टर सिस्टम था उस केस में अगर कोई ऐसी चीज़ है सोफिस्टिकेटेड चीज़ जिसको कह सकते हैं कि वो आपको आपने अगर किसी को पे किया है फॉर एक्सचेंज ऑफ एनी तो अगर वो सोफेस्टिकेटेड है अगर वो डेलिकेट चीज़ है तो एक टाइम के बाद वो क्या हो जाएगी ख़राब हो जाएगी ठीक है डेमिनिश हो जाएगी या फिर कह सकते हैं कि वो आपकी स्पॉइल हो जाएगी तो उससे होता क्या कि सामने वाले पार्टी को नुकसान हो जाता तो यहाँ पे देखा जाए तो डेफर्ड पेमेंट का कोई सिस्टम नहीं चल हो पाता जो देना होता एट अ प्रेजेंट टाइम देना था इफ़ आई टॉक अबाउट पास्ट ठीक है जब बाटर सिस्टम था बट आज के टाइम पे मनी ने हमारे इस काम को भी आसान कर दिया है और यहाँ पे एक स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट यानी कि हम फ्यूचर पेमेंट के लिए भी किसी भी अदर पार्टी को कन्वेंस करके उसे पेमेंट कर सकते हैं तो मनी ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले प्ले किया है इन ऑल दीज आस्पेक्ट्स ओके सो ब्रीफली इट इज सेट दैट मनी इज़ वॉट मनी डज तो मनी क्या है मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर गुड्स इफ अ फार्मर यू हैव मल्टीपल सर प्रोडक्शन ऑफ राइस अगर कोई फार्मर है और उसके पास बहुत सारा सरप्लस है ठीक है उसने राइस प्रोड्यूस किया बहुत सारा है यू आर लुकिंग फॉर अ पर्सन हू नीड राइस अब वो फार्मर किसी ऐसे पर्सन को ढूंढ रहा है बच्चों जिसको उस राइस की ज़रूरत है यानी कि उस प्रोड्यूस्ड चावल की ज़रूरत है एट द सेम टाइम हैज से क्लोथ विच यू नीड फॉर योर सेल्फ अच्छा उस फार्मर वो फार्मर ढूंढ ऐसे पर्सन को रहा है जिसको राइस की ज़रूरत हो और वो फार्मर चाहता है कि वो पर्सन ऐसा हो जो उसे क्लोथ दे दे इन एक्सचेंज सो इट मीन्स डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इसको हम कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स यानी कि दोनों पार्टीज की वांट्स सेटिस्फाई हो जाए बायर की भी सेलर की भी ठीक है यू वॉन्ट क्लोथ मस्ट को इंसाइड विथ समबडी वॉन्ट राइट राइस यानी कि हम हम क्लोथ चाहते हैं हमारी वॉन्ट किसी ऐसे इंसान के साथ मीट हो जाए जिसको राइस की ज़रूरत हो इन एक्सचेंज एंड यू मस्ट हैव सरप्लस ऑफ राइस एंड समबडी मस्ट हैव अ सरप्लस ऑफ क्लोथ यानी कि आपके पास राइस ज़्यादा है सामने वाले के पास क्लोथ है तो आप दोनों के वॉन्ट सेटिस्फाइंग पार मीट हो जाएगी हाउ डिफिकल्ट इट इज तो कैन यू इमेजिन किड्स कितना डिफ़िकल्ट हो जाता ऐसा पहली बात तो आपको ढूंढना पड़ेगा ऐसा पर्सन और इनकेस मिल भी जाता है तो उसकी कुछ टर्म्स और कंडीशंस होंगी और आपकी कुछ टर्म्स और कंडीशंस होंगी तो यहाँ पे जो कहते हैं कि यूटिलिटी पार्ट जो है आप कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी वट डू यू डू दीज डेज तो इस तरीके की सिचुएशन को देखिए और अब बताइए कि इन दिनों आप क्या करते हैं एज अ फार्मर यू सेल राइस फॉर मनी तो अगर मैं आज के टाइम की बात करूँ तो एक फार्मर जो है वो राइस बेचेगा और उसको उस राइस को बेच के क्या मिल जाएगा पैसे यानी मनी एंड एज अ क्लोथ मर्चेंट यू सेल योर क्लोथ फॉर मनी और फिर वो क्या करेगा कि उस मनी को क्लोथ मर्चेंट को देकर क्लोथ्स परचेज कर लेगा और एज अ सेलर हम कह सकते हैं कि क्लोथ मर्चेंट को क्या मिल जाएगा इन एक्सचेंज ऑफ क्लोथ मनी मिल जाएगा ठीक है फॉलोइंग आर द प्रिपल ड्रॉबैक् ऑफ बाटर एक्सचेंज विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी दैट दीज ड्राबैक्स है एलिमिनेटेड डू यू अंडरस्टैंड इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारे कुछ हमने देखे जो ड्रॉबैक्स थे बाटर सिस्टम में बट जैसे ही मनी का इंट्रोडक्शन हुआ हमारे इकोनमी में तो ये सारे ड्रॉबैक्स ये सारे कॉन्स जो है वो एलिमिनेट हो गए वो प्रॉपर तरीके से क्या हो गए ख़त्म हो गए ठीक है सबसे पहला सबसे पहला ड्रॉबैक की बात करते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ पॉन्ड्स सो डबल कोइंसिडेंस ऑफ पांड्स इज अ कोर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर एक्सचेंज ऑफ सिस्टम ऑफ एक्सचेंज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांड्स इम्प्लाइज दैट द टू इंडिविजुअल डबल कोइंसिडेंस ऑफ पॉन्ड्स हम पढ़ रहे हैं ठीक है टू इंडिविजुअल अकाउ दैट यू वॉन्ट टू बाय अकॉर्डिंग अंडर अ वाटर सिस्टम एक्सचेंज रिमेंड extremely limited. with the emergence of money as the medium of exchange, the problem of double coincidence of wants has vanished. money as a medium of exchange has separated the acts of sale and purchase. तो वही चीज उसने बताया कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये यह हुई double coincidence of wants में कि same type of person with same type of uh, same type of person with same commodity ठीक है जो उसका भी सेटिस्फाई हो जाए और आपका भी हो जाए मिलना डिफिकल्ट हो जाता है दूसरा लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू मीन्स वॉट इज द वैल्यू ऑफ यूर कार तुम्हारी कार की क्या वैल्यू है यू कैन रिप्लाई फाइव लैख अब मैंने कहा मेरे कार की वैल्यू पाँच लाख रुपए कैन यू गिव द सेम आंसर इन बाटर सिस्टम ऑफ यू हायर अ वर्कर एंड स्ट्राइक अ कॉन्ट्रैक्ट टू पे हीम टेन लैक वॉट डू यू डू इन अ बाटर सिस्टम वुड यू डिसाइड टू पे हिम इन टर्म ऑफ टेबल और चेयर इन टर्म ऑफ राइस और वीट इन ट्रग्स और चॉकलेट्स कॉन्ट्रेक्चुअलिटेटेड कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स बहुत ध्यान से समझना है ये वो पॉइंट है जहां पर हमें प्रॉब्लम हुई कि कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू का मान लेते हैं कि एक उसने एग्जाम्पल दिया कि अगर मुझे वर्कर हायर करना है ठीक है एंड स्ट्राइक कॉन्ट्रैक्ट पे और मैंने कहा दस लाख का देखा जाए तो पूरा ये कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपेंडे एक्सपेंडिचर्स होने वाले सो so, अगर बाटर सिस्टम होता तो हम क्या करते तो हम क्या इस दस लाख के बदले में क्या कहते उसको कि भाई दस लाख का है बात ठीक है मुझे वर्कर चाहिए सामने वाले कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कॉन्ट्रैक्टी को कि आ, मैं आपको अपने वर्कर्स तो दे दूंगा दस लाख की पेमेंट आप कैसे करेंगे अब मैंने कहा मनी तो चल नहीं रहा है तो अब क्या किया जाए तो मैं क्या करती फिर उसको राइस देती वीट देती या फिर चेयर्स देती या मैं कुछ भी देती टैंजबल इंटेंजेबल्स या फिर कोई भी आपकी ग्रीन फूड्स किसी भी फॉर्म में देती तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या राइज़ हो रही थी कि आप इसे मेजर नहीं कर पा रहे थे आप उस वैल्यू को मेजरमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे थे राइट right? तो ये दिक्कत आ रही थी और जैसे ही मनी का इवोल्यूशन हुआ ये सारी प्रॉब्लम्स एलिमिनेट हो गई और कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स भी देखा जाए तो फैसिलिटेट हो गया सो so, दूसरा ड्रॉबैक ये था पहला ड्रॉबैक था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट और सेकेंड था लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू नाउ अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ मनी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और हमारा पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है मनी इज वॉट मनी डज मनी क्या है आपको पता है सबको मनी क्या है इट इज डिफाइंड एन एन इंस्ट्रूमेंट दैट सर्व्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो मनी एक वो इंस्ट्रूमेंट है इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो क्या सर्व करता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़ अ स्टोर ऑफ वैल्यू अ मेजर ऑफ वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ट पेमेंट तो ये मनी की डेफिनेशन है तो आप सभी को लर्न करना है ये डेफिनेशन सो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मीडियम ऑफ एक्सचेंज स्टोर ऑफ वैल्यू मेजर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट ठीक है इंस्ट्रूमेंट है मीडियम ऑफ एक्सचेंज है स्टोर ऑफ वैल्यू है आप आराम से, से कैरी कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है अब ग्रेन और इन सबको तो हर जगह कैरी नहीं किया जा सकता है राइट मेजर ऑफ़ वैल्यू है मेजरमेंट किया जा सकता है आपने कहा कि मेरी कार फ़ाइव लैक्स की है तो ठीक है सामने वाली पार्टी आपको इन कैश फाइव लैक्स दे देगी और उन जो भी कैश आपको पे करेगी वो उसके बदले में आप उसे कार दे देंगे और फिर आप उस कैश को कहीं और जाके कहीं और दे के कुछ और चीज़ें परचेज कर सकते हैं तो यहाँ पे देखा जाए तो मेजर ऑफ़ वैल्यू है और स्टैंडर्ड ऑफ डेफल्ट पेमेंट है अगर फ्यूचर पेमेंट करना हो तो भी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि नहीं आज ही आज देना पड़ेगा अदरवाइज सब कुछ खराब हो जाएगा नो सो मनी के साथ जितने भी बाटर सिस्टम के ड्रॉबैक्स थे ना वो सभी रिमूव हो गए हट गए अब हम कुछ बेसिक फंक्शंस की बात करते हैं तो मनी हमने देखा डेफिनेशन अब आते हैं कुछ बेसिक फंक्शंस तो मनी का काम क्या है अगर हम फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहले द डेफिनेशन ऑफ मनी कन्वेज द बेसिक फंक्शन ऑफ मनी ठीक है मनी सर्व एज अ स्टोर ऑफ़ वैल्यू पीपल सेव मनी ठीक है तो इट इज़ अ स्टोर ऑफ़ वैल्यू कोई भी पैसे बचा सकता है इट इज़ ईजी टू कैरी आउट स्टोर ऑफ वैल्यू सेकेंड है मनी इज द मेजर ऑफ वैल्यू मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी तो कहते हैं कि हम इसे मेजर भी कर सकते हैं सो इट इज़ अ मेजर ऑफ़ वैल्यू या फिर ऐसे कह लीजिए जो भी गुड्स और सर्विसेज है उसके मार्केट वैल्यू को आप जो है मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी सो दिस इज़ वॉट मेजर ऑफ़ वैल्यू हो गया स्टोर ऑफ़ वैल्यू हो गया मनी सर्व्स एज अ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ट पेमेंट केस अगर हमें आज करंट टाइम पे पेमेंट नहीं करना है तो हम फ्यूचर में भी किसी चीज़ की पेमेंट कर सकते हैं सो इट इज़ अ वॉट मेजर ऑफ़ वैल्यू एंड स्टोर ऑफ वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ट पेमेंट लेट्स टेक एन एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक ये पर्सन है ठीक है कैन से थोड़ा अच्छे से बनाते हैं वेट ये देखिए ठीक है ये हम इसको नाम दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल ये ए है कोई पर्सन है जिसका नाम ए है और यहाँ पे कोई पर्सन है ठीक है और इस पर्सन का नाम क्या है बी ए ने कहा बी को कि बी भाई दो दिन से क्या है कि बहुत दिक्कत चल रही है तो बी ने पूछा अच्छा क्या बात है तो फिर ए ने कहा वो क्या है ना कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है पर समझ में ये नहीं आ रहा है पहले मैं आपको बाटर सिस्टम से कर, रिलेट करती हूँ फॉर इंस्टेंस अभी मनी नहीं है हमारे इकॉनमी में ठीक है मनी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है बाटर सिस्टम का टाइम चल रहा है तो ए ने कहा कि मुझे ना क्या चाहिए मुझे कुछ ग्रेन्स चाहिए मेरे घर में थोड़े ग्रेन्स की कमी हो गई है स्पेशली उसमें भी व्हीट मुझे गेहूँ चाहिए और मुझे क्योंकि उस आटा पिसवाना है तो उसके लिए मुझे गेहूँ की ज़रूरत पड़ेगी तो भाई अगर बी तेरे पास हो तो मुझे दे दे तो बी ने कहा ओके ठीक है मैं अरेंज करता हूँ पर बी ने कहा कि यार चाहिए तो मुझे भी कुछ तो ए ने कहा बी को सबसे पहले तो मुझे क्या चाहिए वीड तो बी ने कहा ठीक है आई विल ट्राई आई विल अरेंज फिर बी ने कहा क्या है कि पिछले दो दिनों से पिछले दो दो दिनों से मैं सोच रहा हूँ कि मुझे परसों इंटरव्यू में जाना है और इंटरव्यू में जाने के लिए मुझे थोड़ा अच्छा ठीक ठाक कपड़ा चाहिए थोड़ा सा लगे कि हाँ यार प्रोफेशनल टाइप का है तो ए ने कहा अच्छा ऐसी बात है अभी परसों ही मैंने कपड़े लिए हैं तो बी कहेगा अच्छा तो फिर ए कहा एक काम कर तू मुझे बीट दे दे और मेरे से तू अच्छा सा ड्रेस ले ले जो मैंने लिया है तो बी ने कहा वो भी चल जाएगा तो देखिए यहाँ पे जो एक्सचेंज हुआ है वो किसका हुआ है देखा जाए तो क्लोथ ले लेते हैं या ड्रेस कुछ भी कह सकते हैं तो ए ने वीट लिया और बी ने क्लोथ ए से या फिर कह सकते कोई ड्रेस अपना मनपसंद वो लिया यहाँ पे आपके मनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है ठीक है मनी यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर कि क्या जरूरी है कि जितनी क्वांटिटी ऑफ वीट ए ने बी को दी उतनी ही वैल्यू ऑफ क्लोथ बी ने ए से लिया क्या ऐसा पॉसिबल है एग्जैक्टली exactly. क्या हम इसे मेजर कर सकते हैं नो ऑफ कोर्स वो वीट है उसे आप के में मेजर करेंगे बट क्लोथ क्लोथ आप मीटर्स में देखते हैं राइट right? तो बहुत से डिफरेंसेस आ जाते हैं यूनिट्स का डिफरेंस आ जाता है इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि हम ऐसा सिस्टम ले आएंगे जिसमें कि आप चीज़ों को ईजिली आइडेंटिफाई करके एक प्रॉपर तरीके से एक्सचेंज मीडियम अपना सकते हैं और फिर हमारा इंट्रोड्यूस हुआ क्या मनी अब मनी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे हमारा अगेन ए आता है ए को बहुत खुशी हुई ऐसा हुआ तो और बी भी बहुत खुश हुआ बी ने कहा बहुत बढ़िया अब क्या हुआ ए ने कहा कि एक काम कर बी बी ने कहा अच्छा मनी आया है तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना एक नया शोरूम खोलूँ कार का तो ए ने कहा अच्छा तूने कार की शोरूम खोल ली तो बी ने कहा हाँ मैंने कार की नई नई शोरूम खोली है और मेरे ख्याल से उसमें पचास हज़ार करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट मैंने की है शुरुआत में और कई सारे मैंने वेंचर कैपिटलिस्ट से लोन वोन लेकर बैंकों से अपना नया नया शोरूम खोला है काफ़ी हाईफाई ब्रांडेड कार्स रखी है मैंने तो एक बार अभी अभी स्टार्ट किया इनोग्रेशन हुआ है तो आना ज़रूर तो ने कहा ठीक है ज़रूर आएंगे फिर ये जाता है बी के शोरूम में और देखता है उसकी बहुत अच्छी वेलकम होती है बी करता है कि क्योंकि वो उसका बहुत खास फ्रेंड है तो उसने कहा कि अरे यार तेरा कार तो बहुत अच्छा है तो उसने एक कार सिलेक्ट की काफी अच्छी तो बी ने कहा ठीक है तो पूछा रेट क्या है बी ने कहा यार रेट तो देख इसका बीस लाख है नहीं नहीं बीस लाख तो मैंने कम कहा रेट इसका है पचास लाख पर क्योंकि तू मेरा दोस्त है तो मैं तुझे ये कार पच्चीस लाख का दे दूंगा ठीक है आफ्टर डिस्काउंट एंड ऑल तो फिर ए ने कहा ठीक है नो प्रॉब्लम यहां पे दोनों की डील फिक्स हो जाती है अब ए ने क्या लिया बी से ए ने लिया बी से कार समझिएगा का बच्चों बहुत ध्यान से और बी ने ठीक है बी ने ए ने लिया बी से कार और फिर ए ने बी को कितने की पेमेंट की ट्वेंटी फाइव लैक्स की पेमेंट की इतने की पेमेंट की अब आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे ए भी खुश यहाँ पे बी भी खुश क्यों क्योंकि दोनों की वांट सेटिस्फाई हो रही है एट द सेम टाइम सेम वैल्यू विद डेफर्ड पेमेंट का भी केस होता तो भी हो जाता उसने बोलता कि हाँ चल ईएमआई पे ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं है आराम से देते जाना इंटरेस्ट के साथ तो मनी ने हमारी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को बहुत ही आराम से सॉल्व कर दिया है सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू कि मनी ने जितने भी बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स थे उन सभी को रिड्यूस करके एक कॉमन सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्रिएट किया है सो so, अब हम पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक अच्छा मैंने अभी आपको बताया कि मनी क्या है मनी के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें बताई नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक और यहाँ से कंटिन्यू करेंगे फर्दर तब तक के लिए एक बार बेसिक्स कन्सेप्ट को रिवाइज करिए स्टार्टिंग में जो हमने बाटर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के बारे में बात की और मनी के रिगार्डिंग ठीक है अब हमारा जो कंसेप्ट है वो सेंट्रल बैंक का है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्लास में आई विल कंटिन्यू सो तब तक के लिए बाय बाय एवरी